ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सार्वेंद्र और आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को क्योंकि आपको हैशटैग यूज़ करना है इंस्टाग्राम पे और अपनी पोस्ट के बूस्ट करना है, लाइक्स कमेंट शेयर सब कुछ बूस्ट करना है अपने अकाउंट का। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा कंटेंट और आएगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना क्योंकि ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग और ऑसम होने वाली है वीडियो और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत आगे काम आएगी इंस्टाग्राम की जब आप पोस्ट अपलोड करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि हैशटैग क्या होते हैं तो मैं यहाँ आपको तो दिखा देता हूँ। एक पोस्ट ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे जो रहेगा, जैसे आप इसकी पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे खोलूँगा तो यहाँ आपको हैशटैग बहुत सारे दिख रहे होंगे, एडिट, फोटोशॉप, पिक्सार्ट, वेस्को, लाइट रूम। सो इसी को हम कहते हैं हैशटैग। अब मैं अगर हैशटैग फॉलो करता हूँ तो ये मैंने एक हैशटैग फोटोशॉप ले रखा है। नॉर्मली हम सारे बंदे यूज़ करते हैं हैशटैग फोटोशॉप, हैशटैग पिक्सार्ट। तो इन हैशटैग में आप कैसे ऊपर आएंगे, क्योंकि जब आप ऊपर आएंगे तभी आपकी पोस्ट लाइक होगी। और यहाँ हैशटैग में होती है एक फ़ोटो जो यहाँ पे तौकीर भाई की। अगर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा वॉच करना। सो सबसे पहला मैटर होता है कि आपकी पोस्ट पे ज़्यादा लाइक आने चाहिए तभी हैशटैग वर्क करते हैं और आप यहाँ टॉप में फ़ीचर होते हैं, नहीं तो आप रिसेंट में फ़ीचर होते हैं यहाँ पर। सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ फीचर होने वाले हो। जैसे अगर मैं ये पोस्ट खोलूँगा तो आप देख सकते हैं 8 सेकंड पहले ही डली है तो यहाँ फ़ीचर होगी, और टॉप में जो होती है वो थोड़े टाइम पे डली होती है। जैसे ये 6 घंटे पहले डली है, तौकीर भाई की है वो है 6 घंटे पहले। सो यहाँ क्या एल्गोरिदम लगा है जिसके हिसाब से यहाँ तौकीर भाई की थोड़ी नीचे दिखा रहा है और इस बंदे की फ़ोटो थोड़ी ऊपर दिखाई जा रही है। सो यहाँ पे छोटा सा एक लॉजिक है जो मैं आपको बताऊँगा। इस बंदे ने जो फ़ोटो अपलोड कर रखी है वो है 34 मिनट पहले और इसके थोड़े लाइक्स ज़्यादा आ रखे हैं इस टाइम, इसलिए जैसे ये 6 घंटे क्रॉस करेगी तो ये फ़ोटो तौकीर भाई के नीचे हो जाएगी। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पर मिनट पे, पर आवर पे कितने लाइक आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप टॉप पेज पे फीचर होते हैं। सो अभी ये पॉइंट हटा देते हैं और सीधा बात करते हैं आप हैशटैग यूज़ कैसे करेंगे और बेस टू बिल्कुल हाई कैसे जाएंगे। सबसे पहले जो आप हैशटैग अपलोड करते हो तो ये एक ऐप है, इस ऐप का नाम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हैशटैग्स नाम से है और इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें मैं सारी लिंक और आफ्टर बिफोर भी पोस्ट कर देता हूँ। सो वहाँ से आपको निकालना बहुत ही ईजी रहता है, 1 क्लिक एंड डाउनलोड है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे। अब कुछ दिनों में आपके लिए वेबसाइट भी आने वाली है, सो प्रॉब्लम होएगी नहीं ज़्यादातर जहाँ मुझे लगता है। सो यहाँ ऑन करता हूँ मैं इस ऐप को और ये ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे एड्स नहीं आती हैं इस ऐप में और बिल्कुल फ्रेंडली है। जैसे यहाँ पे आप ऑल टैग्स देखोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा मोस्ट पॉपुलर, जो भी आप पहला टैग यूज़ करोगे यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर, इनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट फीचर हो रखी होंगी। तो ये 29 टैग्स हैं, 30 टैग आप अपलोड कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम की फ़ोटो के नीचे। सो यहाँ पे ये कभी यूज़ ना करें क्योंकि ये चीज़ अलग होती है, लाइक हमारे काइंड के रिलेटेड नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ आपको लाइक यहाँ अगर मैं तौकीर भाई की एक फ़ोटो अभी ओपन थी तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तौकीर भाई ने अपलोड कर रखी है, ठीक है। अब भाई के ज़्यादा लाइक क्यों आते हैं और हमारे थोड़े कम क्यों आते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल एक्यूरेट टैग यूज़ करते हैं। लाइक भाई ने यहाँ पे 2D पिक्सार्ट डाला है, आर्ट डाला है, आर्ट वर्क, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, वेस्को, लाइट रूम एडिट्स, दानिश जीहन, इंस्टाग्रेड, फोटो मैनिपुलेशन, तो ये सारे टर्म एडिटिंग से रिलेटेड हैं। और जब हम डालते हैं अपने हैशटैग तो वो डालते हैं लाइक करो, हैशटैग फॉलो, हैशटैग ये, हैशटैग इंस्टा गुड, हैशटैग इंस्टा फैम, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग रील, तो यार वो हमारी पोस्ट से रिलेटेड नहीं है। जब आप पोस्ट से रिलेटेड डालोगे, जैसे भाई ने डाल रखा है डेविल, हैशटैग लूसीफर, हैशटैग फोटोशॉप आर्ट, तो आप यहाँ समझ सकते हो एक पॉइंट है कि आप अपनी पोस्ट के बारे में डिफाइन कर रहे हो और उसी चीज़ के लिए हैशटैग यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं अगर इनकी फ़ोटो देखूँगा तो मुझे पता चलेगा हाँ यहाँ पे फोटोशॉप यूज़ हो रखा है, पिक्सार्ट यूज़ हो रखा है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। करेक्ट
टैग्स कैसे यूज़ करें। आप करेक्ट टैग्स के लिए यहाँ आप ऐप में जब आएंगे स्विच करके, तो यहाँ आपका फोटोग्राफी का एक पार्ट दिखेगा, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। यहाँ हैशटैग देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे हैशटैग मिल जाएंगे, आर्ट के लिए मिल जाएंगे। अगर आप वेक्टर आर्ट क्रिएट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम के लिए अगर कोई कॉन्टेस्ट या आपको अपनी फ़ोटो वाइड पब्लिश करनी है, तो आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही परफेक्ट है, किसी भी फ़ोटो में काम आ जाएगा आपका। और जैसे कई बंदे ट्रैवल फ़ोटोज़ डालते हैं, तो ट्रैवल के लिए हैशटैग ट्रैवल यूज़ करें इसका, ये आपको बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अगर मैं इसके आगे बढ़ूँ तो अब मैं बताता हूँ आपको कि टॉप और रिसेंट में क्या होता है। रिसेंट में होता है जैसे आपने अभी पोस्ट डाली है, जैसे ये पोस्ट मैं खोलूँगा तो ये 4 मिनट पहले ही डली है पोस्ट, तो यहाँ ये बिल्कुल टॉप रिसेंट में फीचर होगा। और अगर मैं टॉप में आता हूँ तो ये पोस्ट 6 घंटे पहले डली हुई है, लेकिन ये इतनी ऊपर है। ठीक है, अब मैटर होता है टॉप में आपके लाइक्स मैटर करते हैं एंड कमेंट्स मैटर करते हैं, और आपकी कितनी बार फ़ोटोज़ सेव हुई हैं। अगर ये फ़ोटो ज़्यादा सेव हुई होगी तो ये टॉप पे से शो होगी, और यहाँ पे ये फ़ोटो ज़्यादा सेव है, ये फ़ोटो ज़्यादा सेव है। तौकीर भाई की बहुत ज़्यादा सेव होती है और भाई के लाइक्स हैं तभी वो टॉप में शो हो रहे हैं, नहीं तो यार हमारी पोस्ट तो बिल्कुल नीचे आती है। भाई बिल्कुल टॉप लेवल हैं यार, यहाँ नॉडी गोस्वामी है भाई ने डाल रखे 7 घंटे पहले, तो भाई के लाइक्स और कमेंट के हिसाब से उनकी यहाँ फ़ोटोशॉप में हैशटैग फीचर हो रखी है। और एक और भी वे होता है, जो होता है कि मैंने इनको फॉलो कर रखा है, लाइक NSB भाई को मैंने फॉलो कर रखा है, तो नॉडी गोस्वामी शायद उनके लिंक में आते हैं, सो वहाँ से भी मेरे को रेफ़र होता है। इसलिए आप जब भी किसी को फॉलो करते हो या किसी और बंदे को भी फॉलो करते हो, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपकी हैशटैग फ़ोटोशॉप में फ़ीचर हो जाए फ़ोटो, तो हमेशा आप फॉलो करें। क्योंकि मैंने भी यहाँ आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में भी 400 फॉलो कर रखे हैं, मैं भी कोई एक बिल्कुल सेलिब्रिटी टाइप नहीं हूँ कि मैंने 10-12 फॉलो कर रखे हैं, उससे आपका अकाउंट ग्रो नहीं होता, ग्रोथ रुक जाती है अकाउंट की। सो ये बहुत ही एक मेन मैटर है जब आप करते हैं ग्रोइंग अपने अकाउंट्स की हैशटैग से। अब मैं बताता हूँ एक और चीज़ जो हैशटैग आपके काम लाएगी, वो होता है प्रोफाइल में फ़ीचर करना। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ YT लिंक लिखा है और हैशटैग फोटोग्राफी, हैशटैग इंस्टा डेली एंड हैशटैग फैशन, क्योंकि मैं यहाँ फैशन की चीज़ें भी पोस्ट करता हूँ, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े हैं, सही हैं, बस बेकार हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं मेरे को लगता है। एक ही शर्ट है मेरे पे, ब्लैक एडिडास, ठीक है कमेंट में मत लिख देना अभी। और उसके बाद फिर मैंने इंस्टा डेली, क्योंकि मैं डेली लाइक हर दिन पोस्ट कर ही देता हूँ, कभी कभी नहीं होती है मेरी कभी डेली पोस्ट, इसलिए मैंने इंस्टा डेली यूज़ कर रखा है। अभी मैं इंस्टा डेली नहीं करूँगा तो मैं यहाँ कुछ फोटोशॉप, लाइट रूम, हैशटैग कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और जिससे आपका रिलेटेड अकाउंट हो आप वो ज़रूर शो करें, लाइक मेरा फोटोग्राफी से रिलेटेड है, मैं फ़ोटोज़ डालता हूँ बहुत अच्छी अच्छी, तो मैं फ़ोटोग्राफी यूज़ कर रखा है। और कभी कभी बाय चांस जो होता है आपका अकाउंट सजेशन जाता है जो भी हैशटैग फोटोग्राफी यूज़ कर रहे होते हैं, सो हमेशा यहाँ पे अपने प्रोफाइल में आप हैशटैग ज़रूर फीचर करें, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। और अगर अब मैं बात करूँ आगे की चीज़ के, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली पोस्ट, ठीक है, अब मैं इसके हैशटैग बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने डाल रखा है देखो BW कसिनो कार्ड, प्लेइंग कार्ड, ग्लोइंग, सो ये सब होता है कि कार्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब आप पोस्ट के बारे में बताओगे नीचे हैशटैग में, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कई लोगों का देखा है कि हैशटैग कैसे डालते हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार बताना चाहूँगा एडिट करके पोस्ट को कि आप हैशटैग कैसे पुट करें। ये थोड़ा अगर मैं एक नॉर्मल सी लाइक ये पोस्ट ले लेता हूँ, नहीं अपनी फ़ोटो लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे कैप्शन लिखना है, ठीक है, तो यहाँ आप अपना लिखोगे कि फीलिंग गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे जो हैशटैग यूज़ करना है, जैसे मैंने हैशटैग यूज़ करा पोर्ट्रेट, क्योंकि मेरा फेस दिख रहा है तो ये पोर्ट्रेट में काउंट होगा, हैशटैग पोर्ट्रेट। तो जब आपको ऐसे शो होता है तब उसमें आपको क्लिक करना होता है इन पे, जैसे ये आपको पोस्ट दिख रही है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तभी हैशटैग एक्टिवेट होता है, बिना इसके क्लिक करे कभी एक्टिवेट होता नहीं है, जहाँ तक मैंने बहुत बार ट्राई करा है। क्योंकि कभी कभी आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसे हैशटैग फोटोग्राफी के पीछे एक स्पेस आ रखा है, तो यहाँ कई लोग क्या करते हैं, आप खुद से डालते हो तो ये स्पेस भूल जाते हो, और फिर यहीं से एक और हैशटैग लिख दोगे, यहाँ जैसे मैंने हैशटैग सार्वेंद्र लिख दिया, फिर हैशटैग यहीं ग्लो डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे ढूंढने भी जाऊँगा ना तो ये क्लिक नहीं होंगे मेरे पे हैशटैग, ये
थोड़े ऑड हो जाएंगे और लाइक ये कॉन्टीन्यूटी में है और यहाँ ये कभी एक्टिव होंगे नहीं, इसलिए आपकी पोस्ट हमेशा नीचे रहती है और कभी भी हैशटैग से आपको लाइक नहीं आते। तो हमेशा अलाइन करें और यहाँ पे रखें और बिल्कुल परफेक्टली हैशटैग को यूज़ करें और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। जब तक आप स्पेसिंग नहीं रखोगे हैशटैग में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार लगेंगे आपके। सो यही एक ट्रिक होती है जिससे आप हैशटैग पे अच्छे से फीचर हो सकते हैं एंड ऐसे डलता है। उसके बाद थैंक यू गाइस, आपने इतना सपोर्ट करा और मेरी इतनी देर तक ये पोस्ट को देखा है, पोस्ट नहीं वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, हैव अ नाइस डे।